goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. कैसे आप 2 लाख रुपए लगाकर 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते, से ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा 10-20-30 हजार ऊपर मिल जाए, लेकिन एक लेकिन डीलर से खरीदना कभी कभार फायदे का सौदा भी होता है, कभी कभार नुकसान का सौदा भी होता है। कोशिश करिए कि उसके 3 साल पेपर रह रहे हैं, 4 साल रह रहे हैं। और मैं घर से निकल चुका हूँ, थोड़ा लेट निकला हूँ, 12 बजे निकले हैं और सोच रहे हैं रात के 12 बजे तक काम करेंगे। बाकी दोस्तों जो भाई काम करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी सी ये वीडियो हो सकती है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो कैसे आप 2 लाख रुपए लगाकर 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो ओला उबर से, वो मैं आपको तरीका या वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो इस केस में होगी वो आपकी गाड़ी पुरानी होगी, चूंकि पुरानी गाड़ी से ही आप काम करेंगे तो 2 लाख में मिल जाएगी, इससे ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा 10-20-30 हजार ऊपर मिल जाए, लेकिन एक मोटा मोटा मैं मान के चल रहा हूँ 2 लाख रुपए से आप 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाए, इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। प्लस ये ब्लॉग बहुत ज्यादा जो है खास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलते हैं, पहले हम गाड़ी में CNG डलाते हैं, उसके बाद आपको आगे की बातें कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल इंतजार कर रहा था मैं कोई ट्रिप आ जाती, क्योंकि 2 खोटी CNG रह रही है, पर रास्ते में हजारों CNG डला लूंगा, लेकिन ड्यूटी मैंने ऑन कर ली है, कोई ड्यूटी बच जाएगी तो ठीक है, CNG डला के चल देंगे। पहली ड्यूटी आ गई गुड़गांव की, लेकिन गुड़गांव तो जाना ही नहीं है, तो गुड़गांव नहीं जाना, पहले CNG डलाते हैं फिर गुड़गांव या कहीं की ट्रेन। तो दोस्तों अभी तो मैं निकल चुका हूँ, घर से निकला हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं CNG डलाने गाड़ी में, और CNG वगैरह डला के और काम करेंगे, आज देखेंगे कितने का काम हो जाता है। खैर सुबह तो हल्की बारिश हुई है, लेकिन अभी तो मौसम ठीक है, काफ़ी धूप है और गर्मी भी है, तो AC तो चलेगा ही चलेगा गाड़ी का, तो ऐसा ही सिस्टम होने वाला है कुछ। दिल्ली में दोस्तों बहुत सारे डीलर हैं जो गाड़ियां बेचते हैं, पुरानी गाड़ियों का डील करते हैं, लेकिन डीलर से खरीदना कभी कभार फायदे का सौदा भी होता है, कभी कभार नुकसान का सौदा भी हो जाता है। तो इतना कोई फायदा होने वाला नहीं होता डीलर से गाड़ी खरीदने में, क्योंकि वो आपको ओवर प्राइस में गाड़ी बेचते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको पुरानी गाड़ी ही खरीदनी है, देखिए पुरानी गाड़ी से काम अच्छा हो जाता है, और जैसे कि मैंने बताया 2 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, आप 1 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकते हैं, तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपए की गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी, और बहुत अच्छी गाड़ी आपको वैगनार मिल जाएगी, डिजायर भी पॉसिबल है, जिसके कागज 1 से 2-3 साल रह रहे हो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि उसके 3 साल पेपर रह रहे हो या 4 साल रह रहे हो तो और बड़ी बात है, बाकी 3 साल वाली 2 साल वाली तो आपको मिल ही जाएगी, और आप गाड़ी लेकर चलाना स्टार्ट कर सकते हो, ओला उबर में अटैच भी हो जाएगी और चलना भी स्टार्ट हो जाएगी, और बहुत आसानी से जो है आप काम करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप पुरानी गाड़ी ढूंढेंगे, सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही आता है कि पुरानी गाड़ी हम कहाँ से लें, कितने में लें, और वगैरह वगैरह जो आपके मन में डाउट आते हैं। पुरानी गाड़ी ढूंढना दोस्तों एक चैलेंज है, देखो पुरानी गाड़ी ढूंढना एक खान में हीरा ढूंढने के बराबर है, लेकिन मिलता है पुरानी गाड़ी, ऐसा भी नहीं है नहीं मिलता। डीलर पे आप ढूंढ लीजिए, अगर आपको रेट में मिल रहा है, सही रेट में मिल रहा तो आप ले लीजिए, अदरवाइज OLX पे देखिए, ये फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। प्लस आप फेसबुक के ग्रुप पे, दोस्तों जो सबसे कारगर तरीका है वो फेसबुक का ग्रुप है, वहां पोस्ट करिए पुरानी गाड़ी मुझे चाहिए, इतने प्राइस में चाहिए। बहुत सारे लोग फेसबुक के ओला उबर ड्राइवर ग्रुप में जुड़े होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करेंगे और देखेंगे कि आपको गाड़ी मिल जाएगी। 2-3 जगह घूमना भी पड़ेगा आपको गाड़ी के लिए, लेकिन थोड़ा घूमने के बाद आपको गाड़ी 101% एक गाड़ी मिल जाएगी जो कि अच्छी कंडीशन में हो। गाड़ी को पहले चेक करना है आपको, अच्छी कंडीशन में है, पेपर उसके वैलिड है, और सारी चीजें चेक करने के बाद में आप गाड़ी को फाइनल करिए। फाइनल करने के बाद में आप गाड़ी लेने के बाद में गाड़ी में थोड़ा मोटा जो भी काम रहता है उसको कराने के बाद में आप ओला उबर में अटैच करिए और काम करना स्टार्ट करिए। देखिए अगर 2 लाख की आपने गाड़ी ले ली है तो 1 लाख रुपए कैसे कमाया जाए उसके बारे में आपको बताता हूँ। 2 लाख की गाड़ी आपने ली है, आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना, तो आप उसको 12 घंटे गाड़ी चलाएंगे आप अकेले, लेकिन मैं कहता हूँ आप अगर 2 लोग हैं, 2 भाई हैं,
या एक ड्राइवर भी रख सकते हैं आप। अच्छा आपका कोई पार्टनर है, आपका कोई मित्र है, दोस्त है जो बेरोजगार है, काम करना चाहता है, वो भी आपके साथ काम कर सकता है। अगर आप ड्राइवर भी रखते हैं, अगर 2 लाख रुपए की आपने गाड़ी ली है तो उसको आप जितना ज्यादा चलाएंगे उतना ज्यादा वो पैसा देगी, और पैसा देगी तभी काम करने में मजा आएगा। तो मैं रिकमेंड आपको ये करता हूँ कि आप अपने भाई के साथ कोशिश करिए, घर का कोई बंदा हो, 12 घंटे वो गाड़ी चलाए, 12 घंटे आप चलाएंगे, तो ऐसे करके चलाएंगे तो 1 लाख रुपए महीना कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से कमा लेंगे। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जानकारी में, कुछ ड्राइवर मिलते रहते हैं, वो कहते हैं जी मैं 2 बंदे हम गाड़ी चलाते हैं और 1 लाख रुपए से ऊपर महीने का बैठा देते हैं। तो दोस्तों वो बैठा रहे हैं तो आप भी बैठा सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं आप। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा, 2 बंदों के साथ काम करना पड़ेगा। 12 घंटे आप चलाएंगे, 12 घंटे आपका भाई चलाएगा, तो आप डेफिनेटली 1 लाख रुपए महीना आराम से कमा लेंगे। सपोज कीजिए अगर आपने 2,000-1,500 रुपए भी डेली बचाया तो 45,000 आपने बचाया, 45,000 वो बचा के दे रहा है, 90,000। सो 90,000 हो गया ये, प्लस 45 ही नहीं, कभी 1500 बचेगा, कभी 1800 बचेगा, तो ऐसे लगा के आपका 2000 बहुत इजीली पूरा हो जाएगा और आप 2000 का काम कर सकते हैं डेली बेसिस पे। आप सुबह अगर निकलते हैं और शाम तक आते हैं तो 2000-2500 का काम हो जाता है, जिसमें 500 की सीएनजी भी निकाल देंगे अगर हम, तो आराम से काम आपका हो जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है 2 लाख रुपए की गाड़ी लेके 1 लाख रुपए महीना कमाना, बहुत आसान भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। करने वाले के लिए सब आसान है, नहीं करने वाले के लिए सारी चीजें मुश्किल है। पुरानी गाड़ी का अपना एक मजा है दोस्तों, और नई गाड़ी का अपना एक मजा है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप पुरानी गाड़ी देख रहे हैं तो बेटर है आप OLX पे देखिए, फेसबुक ग्रुप वगैरह में देखिए, आपको वहां से गाड़ी इजीली मिल जाएगी। अगर आप नई गाड़ी परचेस कर सकते हैं तो नई गाड़ी में क्या होता है दोस्तों, गाड़ी की EMI एंड सारी चीजें जो है रहती हैं जो आपको पे करनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए दिक्कत। लेकिन नई गाड़ी का क्या है, मेंटेनेंस कम लगता है दोस्तों। लेकिन नई गाड़ी में 2 लाख में आपकी गाड़ी नहीं आएगी, हाँ 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करेंगे तो आ जाएगी। उसमें भी अगर आप 2 लोग चलाते हैं तो आप बड़े इजिली जो है 2 लोग चलाने के बाद में बड़े इजिली आप उसमें भी 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।